नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मुंगेर का बरियारपुर थाना, फायरिंग में एक जवान की हुई मौत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। जिले में स्वच्छता को लेकर डीएम ने नगर निकाय के अधिकारियों के साथ की बैठक, योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। शहर में बिना परमिट वाले ऑटो और ई रिक्शा के प्रवेश पर लगी रोक, पुलिस ने वाहन चालकों से वसूला जुर्माना। और बच्चों के विवाद में पड़ोसी ने महिला के साथ की मारपीट, पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अब समाचार विस्तार से। मुंगेर में गोली चलने की आवाज से जहां पूरा इलाका दहशत में आ गया, वहीं थाना में अधिकारी और जवानों ने नक्सली हमले की आशंका में फायरिंग शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी सफीउल हक और एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो बरियारपुर थाना पहुंचे और थाना पहुंचते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना की जानकारी जुटाने के बाद डीआईजी ने बताया कि नक्सलियों द्वारा थाने पर अटैक करने की आशंका हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने अपने बचाव में फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान जवान की मृत्यु हो गई। होमगार्ड की मृत्यु पर उसके बेटे और पत्नी ने बताया कि मोहम्मद जाहिद की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी और अधिकारियों से इलाज की छुट्टी मांगे जाने पर भी उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी। वहीं एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि मृतक होमगार्ड जवान को 3 दिन पहले थाने में कैदियों के स्टॉक के लिए नियुक्त किया गया था। पूरे मामले की रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को भेजी जा रही है, साथ ही घटना की जांच के लिए भागलपुर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। उसके बाद लोग इधर से किए, फिर उधर से गोली चली और लोगों ने अपना अपना संभाला, कुछ पता नहीं चलता था, लगता था कि कोई अटैक हो गया है थाने पर। फिर जिससे जो बन पड़ा उन्होंने किया, गोलियां चली, उधर से अंदाजे से 10 गोली चली है होमगार्ड के तरफ से और फिर इधर से भी गोली चली है, बचाते हुए, जान बचाते हुए गोली चली है। उसकी तलाशी ली गई ये पता करने के लिए कि फायरिंग किस कमरे से कहां से हो रहा है। इसी बीच पता चला कि फायरिंग थाना परिसर में अवस्थित जो शौचालय और स्नानागर का कॉम्प्लेक्स है, वहां से फायरिंग हो रहा है, रुक रुक के फायरिंग किया जा रहा है। तुरंत उसकी घेराबंदी की गई और लाइटिंग से पूरे एरिया को हम लोगों ने रोशन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा होता है अनाउंसमेंट सिस्टम होता है मेगाफोन, उसके माध्यम से बार बार अनुरोध किया कि आत्मसमर्पण कर लो, तुम घेर चुके हो और अपना हथियार फेंक दो। लेकिन निरंतर रुक रुक के उसके द्वारा लक्ष्य करके स्टाफ और जो जिस तरह फैमिली क्वार्टर्स और बैरक्स के ऊपर फायरिंग किया जा रहा था अंदर से, इसमें बीच में पता चला कि एक ही व्यक्ति है और उसके पास बड़ा राइफल है क्योंकि अंधेरा था। फिर अचानक तकरीबन 1:30 बजे वो व्यक्ति बाहर निकला और बैरक की तरफ दौड़ने का प्रयास किया और फायरिंग करते हुए दौड़ा है वहां से। इसी में फिर जो जवाबी कार्रवाई जो पुलिस की हुई उसमें गोली चलाया गया, जिसके जो अपराधी हैं वो तत्कालीन रूप से वहीं पे ही घटनास्थल पर ही। हम तो यहां कल भी आए थे सर से छुट्टी लेने के लिए, उनकी तबीयत खराब थी, पेट में गैस होता था तो दर्द होता था, तो हम सर के पास आए तो हम मम्मी आए थे दोनों को, सर तबीयत इनका खराब है, 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, हम दवाई वगैरह करा के डॉक्टर का चेकअप करवा के हम खुद ला के पहुंचा देंगे। उनके बाद वो बोली इतने अच्छे खासे तो हैं ही है, तुम चाहते हो क्या ये तबीयत खराब हो जाए, ऐसे हो वैसे हो जाए। तो हम सर को बोले सर देखिए तबीयत खराब नहीं है, तो आप देखिए दवाई भी वहाँ का चल रहा था। हाँ बोली ने, तो फिर उनके बाद हम बोले कि सर दे दे, तो फिर क्या बोली छुट्टी उट्टी नहीं दे सकते, तुम जाओगे यहाँ से मेरे नज़र से दूर हो जाओ, नहीं तो तुमको यहाँ से हम धक्के मार के निकाल देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। फिर हम बोले सर महादार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाई गई। बता दें कि भारत में स्वामी जी का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इधर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से एसएम कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रशाल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा, स्वामी विवेकानंद केंद्र के विजय वर्मा समेत कई अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया।
वहीं छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। इसके बाद शिक्षकों ने स्वामी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं प्राचार्य ने कुलपति और अन्य अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्र देकर किया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके अनमोल विचारों से इंसान जीवन में कुछ भी सीख सकता है। इन महापुरुषों के विचार ऐसे हैं कि निराशा में भी आशा भरते हैं। इन्हीं महापुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद जी भी हैं। वहीं प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन अनुकरणीय है। साथ ही बताया कि स्वामी जी कहते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इधर कार्यक्रम में कॉलेज प्रशासन के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी भी कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। टीएमबीयू के कुछ अधिकारियों ने तो कार्यक्रम में मास्क तक लगाना उचित नहीं समझा और न ही स्टूडेंट को शारीरिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कार्यक्रम में कई कॉलेजों के प्रोग्राम ऑफिसर और एनएसएस वॉलंटियर शामिल हुए। इस अवसर पर हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रहे हैं और बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा जो युवा संचार 2020 हुआ था उनके विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा आज के ही दिन। इसके अतिरिक्त जो है और भी कई एक कार्यक्रम है जो कि महाविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया, विभिन्न जो महाविद्यालय है इस यूनिवर्सिटी के तहत उनके सारे जो बच्चे आए हुए हैं चुने हुए कुछ वॉलंटियर्स हैं उनके बीच एक ऑन स्पॉट जो है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार को समरसता भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान संगीत विभाग की ओर से कई कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई जबकि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और चरित्र निर्माण के संदेशों पर चर्चा की गई। साथ ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई जबकि बच्चों के बीच लेखन सामग्री का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय शिक्षा समिति बिहार प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद, सह विभाग प्रमुख विनोद कुमार, प्रोफेसर कामाख्या प्रसाद, प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उप प्रधानाचार्य रवि शंकर पांडे ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करना है। अपना यह संगठन जो है मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, उसका आनुषांगिक संगठन है। जैसे संघ पूरे वर्ष में 6 पर्व मनाता है उसमें एक मकर संक्रांति का भी पर्व है जिसे हम लोग समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बांका जिला इकाई की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बौसी में युवा संदेश यात्रा निकाल कर स्कूली बच्चे को शामिल किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजीत यादव ने की। समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विकास सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों के साथ जिले के अन्य निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन कचरा के समुचित प्रबंधन और साफ सफाई को लेकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया जबकि डीएम ने सुल्तानगंज नगर पंचायत क्षेत्र में चल रही नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण योजना में हुए कार्यों की भी समीक्षा की। डीएम ने कहा कि नल जल और गली नली योजना में बचे हुए कार्यों को अविलंब पूरा कराया जाए जबकि नगर पंचायत में योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए जिससे आम लोगों को इसका लाभ सशमय मिल सके। साथ ही नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को शेष वार्ड में योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा कहलगांव नगर पंचायत में भी दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी नगर पंचायत को ठोस द्रव्य कचरा से समुचित प्रबंधन और उपयुक्त स्थलों पर बिजली की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार, उप नगर आयुक्त, सदर SDO, सभी नगर निकाय के पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी भागलपुर को जाम से निजात दिलाने के लिए एक नई व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है। अब बिना परमिट वाले ई रिक्शा और टेम्पो के शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए चंपानाला पुल और विक्रमशिला सेतु पर 2 चेक पॉइंट बनाकर ट्रैफिक पुलिस परमिट की जांच में मंगलवार से जुट गई है। मंगलवार को गुरट्टा चौक, कोयला डिपो, स्टेशन चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस ने पूरी सख्ती से अभियान चलाया। इस दौरान शहर के गुरट्टा चौक के समीप वाहन चेकिंग गश्ती दल प्रभारी
दुबे देव गुरु ने बिना परमिट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के वाहन चला रहे चालकों को जुर्माना लगाया। साथ ही फाइन की राशि नहीं देने पर वाहन को जब्त कर लिया गया। बता दें कि एसएसपी निताशा गुड़िया के आते ही शहर को जाम से छुटकारा दिलाने की कवायद तेज कर दी गई है और इसी कड़ी में प्रमुख चौक चौराहों पर प्रतिदिन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के पास उपलब्ध संसाधन के अनुसार जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाना होगा। गौरतलब हो कि शहर में जाम लगने का एक बड़ा कारण सड़कों पर ऑटो और टोटो की बढ़ती संख्या है। निर्धारित संख्या से ज्यादा ऑटो और टोटो सड़कों पर चलते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। सजौर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी गुड्डू कुमार की पत्नी अंजू देवी ने अपने पड़ोसी पर घर में घुसकर मारपीट करने का मामला थाना में दर्ज कराया है। घटना को लेकर अंजू देवी ने बताया कि बच्चों के बीच हुए विवाद में उसकी 3 वर्षीय बेटी पल्लवी के साथ मारपीट की गई। घटना के वक्त वो अकेली थी, तभी पड़ोसी मदन दास के पुत्रों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की प्राथमिकी सजौर थाने में दर्ज करने के बावजूद जब पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष में डर का माहौल उत्पन्न हो गया। तो हम बोले अपना आंगन से कि क्यों मारे मेरे बेटी को, इतने में बोलते बोलते भाभी और वो लड़की गाली गलौज करने लगा, तो हम भी किए। तो उतने में उसका भाई आया तो मेरा गेट बंद करके दीवार छरप के बीच वाला मेरा दीवार छरप के आ करके लाठी और खंती मेरा ही आंगन में था, मेरा ही सामान लेके लाठी खंती से हमको मारने लगा। भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मंगलवार को फिलाटेली ब्यूरो की ओर से विशेष कैंसिलेशन स्टाम्प जारी किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामकृष्ण पाठ चक्र की सचिव अमिता मैत्रा, डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद, बांका के सहायक डाक अधीक्षक एनके चौधरी, डाकपाल सुनील कुमार सुमन और डाक टिकट संग्रहकर्ता राहुल रोहित्रास ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। डाक अधीक्षक ने सभी अतिथियों और डाक कर्मियों को युवा दिवस की शुभकामनाएं दी और भागलपुर फिलेटेली ब्यूरो से जुड़कर फिलेटेली अकाउंट खुलवाने, मेंबर बनने, महापुरुषों के बारे में अध्ययन करने की बात कही। आज प्रधान डाकघर परिसर में आज युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी पर आज डाक विभाग द्वारा कैंसिलेशन स्टाम्प जारी किया जा रहा है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती अमिता मोहित्रा आपके सामने उपस्थित हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल के त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड स्थित राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की हालत काफी बदहाल है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब त्रिवेणीगंज के एसटीओ शेख जेड हसन ने विद्यालय का जायजा लिया। बता दें कि सरकार द्वारा लड़कियों की सुरक्षा के लिए दी गई सुविधा का लाभ वार्डन की लापरवाही से नहीं मिल पा रहा है। छात्राओं को विद्यालय प्रधान की ओर से कड़ाके की ठंड के बावजूद न तो कम्बल दी गई और न ही बेडशीट उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय में नामांकित 208 छात्राओं को पढ़ाने के लिए वार्डन छोड़कर 14 शिक्षक हैं, पर स्कूल में महज 4 शिक्षक ही उपस्थित दिखे। 10 शिक्षक हाजिरी बनाकर विद्यालय से गायब पाए गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि विद्यालय में सरकार ने एक वार्डन की नियुक्ति की है जिसे 24 घंटे आवासीय विद्यालय में रहना है, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि वार्डन कुमारी काजल किरण त्रिवेणीगंज बाजार में कहीं किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती है और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दिन में विद्यालय आती है। इसमें कमी ये पाई गई है कि यहाँ पे 14 शिक्षक हैं, अटेंडेंस बना करके 9 गायब हैं, 4 यहाँ पे हैं, वार्डन यहाँ नहीं रहती है, उसको रहना चाहिए। प्लस आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भोजन बनाया जा रहा है वो भी गार्ड के माध्यम से बनाया जा रहा है, वो सही नहीं है। और उसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वार्डन यहाँ पे मैंने देखा है एब्सेंट है, स्टूडेंट भी बताई कि बाजार में रहती है जबकि उनको यहाँ रहना है वार्डन को। तो इसको हमने बोला है आज से कि यहाँ पे कंटिन्यू करें, बाकी नहीं रहने के लिए जो उत्तरदायित्व फिक्स होगा, जो कार्रवाई होगी वो होगी इन लोगों पे। भागलपुर में मंगलवार को जिले के विभिन्न इलाकों में अपनी मांगों को लेकर ऑटो एवं टोटो चालकों ने हड़ताल प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन को लेकर ऑटो चालकों का कहना है कि जिले के अनेकों इलाकों से ऑटो लेकर चालक भागलपुर स्टैंड पर आते हैं, ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें परमिट को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बाहरी इलाकों से आने वाले ऑटो चालकों को शहरी इलाकों में प्रवेश करने पर रोक टोक की जाती है। ऑटो चालकों ने मांग करते हुए कहा कि ऐसे में सभी इलाकों में ऑटो स्टैंड का निर्माण कराना चाहिए। सभी ऑटो चालकों ने कहा कि उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया यही है और ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार व दफ्तर में बैठे अधिकारी उनकी मांग नहीं मानेंगे तो तमाम ऑटो चालक धरने पर बैठकर हड़ताल करेंगे। भागलपुर के सभा रजंदीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 से डीलर की मनमानी करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और राशन कार्ड धारियों ने डीलर पर सड़ा हुआ अनाज देने एवं वत्सलूकी करने का आरोप लगाते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन को आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि लाभुकों द्वारा खराब अनाज की शिकायत करने पर डीलर हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देता है, साथ ही अधिकारियों को कमीशन देने की बात भी कहता है। वहीं मामले पर डीलर का कहना है कि कई माह से अनाज नहीं मिला है और पहले के स्टॉक से अनाज राशन कार्ड धारियों को दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खराब अनाज देने का आरोप गलत। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ जमकर हंगामा किया और अधिकारियों से डीलर को अविलंब हटाने की मांग की। कौन डीलर में बढ़िया चावल गेहूं देता है? एक पिल्लू वाला देता है चावल। बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री की दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बुधवार को भागलपुर पहुंचेंगे। वहीं वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय सिंह निषाद और निषाद विकास संघ के जिला प्रभारी कामदेव प्रसाद ने बताया कि मुकेश सहनी करीब 3 घंटे तक सुधा डायरी में सरकारी योजनाओं को लेकर विचार विमर्श करेंगे। सुधा डायरी के संग्रह प्रभारी के झा ने कहा कि कार्यक्रम में मंत्री को किसानों के समस्याओं की जानकारी दी जाएगी। इधर सन ऑफ मल्लाह के दौरे को लेकर विकासशील इंसान पार्टी एवं निषाद समाज के लोगों में काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। जिलाध्यक्ष कल हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था देखने आए थे, क्या व्यवस्था है, किस अच्छा है, खराब है, जो कमी है उसे हम पूरा करने के लिए आए। मुंगेर के टटिया बंबर प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई करवाने का मामला सामने आया है। मनरेगा योजना में मजदूरों को नियमित रोजगार और भुगतान नहीं मिलने पर मजदूर दूसरे राज्य के लिए पलायन को विवश हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य से अपने राज्य लौटे मजदूरों को विभागीय लापरवाही के कारण आदेश की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है।
पर प्रखंड के पंचायतों में मनरेगा योजना बिचौलियों की भेंट चढ़ रही है। मजदूरों की रोजगार को हड़प बिचौलिया हर रोज जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई करवा रहे हैं। मामले पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार ने कहा कि जिला परिषद के कार्य में होने के कारण इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पीरपैंती विधानसभा के विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के मैट्रिकोत्तर छात्र छात्राओं को 59,048 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों खर्च करेगी। 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र हैं जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। मौके पर विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, मुन्ना चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना बनाई और इस योजना में अनुसूचित जाति के वैसे छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाने का योजना है, जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, मैट्रिकोत्तर हैं, छात्रवृत्ति उनको मिलेगी। इसको PMSSC कहा गया है। अब अंत में चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मुंगेर का बरियारपुर थाना, फायरिंग में एक जवान की हुई मौत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। जिले में स्वच्छता को लेकर डीएम ने नगर निकाय के अधिकारियों के साथ की बैठक, योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। शहर में बिना परमिट वाले ऑटो और ई रिक्शा के प्रवेश पर लगी रोक, पुलिस ने वाहन चालकों से वसूला जुर्माना। और बच्चों के विवाद में पड़ोसी ने महिला के साथ की मारपीट, पीड़िता ने SSP से लगाई न्याय की गुहार। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।